अच्छा एक चीज़ और बताइए अनूप जी, किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, स्लॉट बुक किया है 4 दिन बाद का, और जब स्लॉट बुक किया जब उसने तब तक उसको कोई लक्षण नहीं थे, और जिस दिन उसको वैक्सीन लगवाने जाना है उससे एक दिन पहले उसको लक्षण आ रहे हैं, या उसको थकान लग रही है, या उसको सर्दी जुकाम हो रहा है, और RT-PCR टेस्ट तब भी नहीं हुआ है, तो क्या उसको उस वक्त वैक्सीन लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको सिम्टम स्टार्ट हो गए हैं तो आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, टेस्ट करवाना है, वैक्सीन को आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। और जैसे हम पहले भी बताया था कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो रिकवरी के 4 हफ्ते के बाद ही आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कोई टेस्ट हो सकता है क्या अनिल जी, देखिए अब लक्षण अगर आ रहे हैं तो पहले उसको रूल आउट करें और उसके बाद ही लें, या एक दिन थकान लगती है अगले दिन फिर आदमी वो शख्स अपने आप को नॉर्मल फील करता है तो वैक्सीन ले सकता है? बिल्कुल, किसी भी डाउट की स्थिति में वैक्सीन नहीं लेना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया, जैसे बुखार, बदन दर्द, थकावट, ये अर्ली लक्षण होते हैं, मेजोरिटी लोगों को लक्षण नहीं होते हैं या हल्के लक्षण होते हैं। तो कोई भी लक्षण आए तो मान के चलिए कि कोविड है जब तक प्रूव नहीं हो जाए, और कोविड निगेटिव आना भी कोई साइन है कि कोविड नहीं है, क्योंकि कोविड के 100 लोगों में से करीब 30% लोगों में RT-PCR निगेटिव ही आता है। तो जब तक पूरी तरह से सिम्टम्स चले नहीं जाते लक्षण, जब तक RT-PCR निगेटिव नहीं हो जाता है, उसके बाद 4 वीक तक हमको वैक्सीन नहीं लगाना है। ठीक है, और मास्क का जरूर उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज रखना है, खाना पीना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। गुजरात से दिव्यानंद एक दर्शक हमारे साथ है। दिव्यानंद जी सवाल पूछिए। मैं सर ये रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ लेकिन बुकिंग में आता ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाया कि रजिस्ट्रेशन हुआ कि स्लॉट में आपको नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत क्या आ रही है? बुकिंग नहीं हो रहा है। बुकिंग नहीं हो रही है, किस स्लॉट में कर रहे हैं आप, 45 साल से ऊपर या 18 साल से 44 साल? 18 साल से ऊपर। अच्छा चलिए हम कोशिश करते हैं आपकी बात गुजरात सरकार तक पहुंचे, लेकिन तब तक क्या सलाह होगी अनूप जी जब तक इनको स्लॉट नहीं मिल रहा है? देखिए बिल्कुल ऐसा कई स्टेट्स में है जहां पर अभी वैक्सीन पूरी तरह मात्रा में नहीं पहुंची है, थोड़ा स्लॉट्स लंबे टाइम पर मिल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको भी स्लॉट मिल जाएगा, आप अपना कोशिश जारी रखें, बट तब तक एहतियात बरतते रहें, मास्क लगा के रखें और अपने आप को बचा के रखें। हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 3-4 दिनों में आपको स्लॉट मिल जाना चाहिए। अच्छा अनूप जी एक जो केंद्र सरकार की तरफ से या एक रिसर्च जो आया है वो एक और यहाँ पर चिंता जाहिर करता है कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं 1 डोज या 2 डोज, उनसे अब दूसरे लोगों को संक्रमण का खतरा ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि वो लोग लापरवाह हो जा रहे हैं, उनके अंदर लक्षण भी नहीं आते और वो जाने अनजाने में दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं। तो जो लोग वैक्सीन लगवा के आ रहे हैं उनके लिए खुद के लिए बचाव की क्या सलाह, और दूसरे लोगों को वो संक्रमित ना कर दे उसके उनके लिए क्या सलाह होगी? बिल्कुल देखिए जो लोग वैक्सीन लगवा के आ रहे हैं वो ये ना समझे कि उन्होंने कोई ब्रह्मास्त्र ले लिया है या कोई अमृत पी लिया है कि हमको कोरोना नहीं हो सकता। उनको वैक्सीन के साथ साथ मास्क लगा के रखना पड़ेगा और सामाजिक दूरी और हाथ सैनिटाइजर जो हम बात कर रहे हैं वो करते रहना पड़ेगा। अगर वो खाली वैक्सीन के सहारे और सारे रूल्स तोड़ते हुए जाएंगे तो उनको इन्फेक्शन पूरी तरह से होने की संभावना है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि वैक्सीन से पहले भी, वैक्सीन की 2 डोज के बीच में भी, और वैक्सीन के 2 डोज के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करते रहना है। नहीं तो बिल्कुल सही बात है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, हो सकता है कि आपको माइल्ड डिजीज हो बट आप औरों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं और उनको जो है सीवियर डिजीज हो सकता है। बिल्कुल, आप दूसरों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।